बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म दंगल में नजर आई यंग बबीता फोगाट की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी मौत के पीछे की कहानी उनके पिता ने बयां की है। पिता ने बताया कि उनकी 19 साल की बेटी 2 महीने से बेड पर थी, एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी। दरअसल सुहानी को करीबन 2 महीने पहले हेल्थ से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई, उनके बाएं हाथ सूज गए। पहले तो लोगों को लगा कि ये सूजन नॉर्मल है, पर ये सूजन धीरे धीरे दूसरे हाथ में भी हो गया और फिर पूरे बॉडी में फैल गया। कई डॉक्टर से सलाह ली गई पर कोई डॉक्टर्स उनकी बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर सका। वेल, इसको लेकर फैमिली काफी ज्यादा परेशान थी। 11 दिन पहले सुहानी का एम्स में हेल्थ एग्जामिन भी कराया गया, तब डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की बहुत ही रेयर बीमारी का पता चला। वेल, इस बीमारी का ट्रीटमेंट सिर्फ स्टेरॉइड से ही संभव था। उनके ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स यूज किया गया और फिर सुहानी के बॉडी के ऑटो इम्यून सिस्टम पर असर पड़ा और इम्यूनिटी डाउन होती चली गई। सुहानी के पिता का कहना है कि डॉक्टर्स ने बताया कि इस रेयर बीमारी के ठीक होने में काफी टाइम लग सकता है, पर सुहानी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया था, उसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन ने जकड़ लिया। फेफड़ों पर ऐसा बुरा असर पड़ा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। 16 फरवरी की शाम को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और सुहानी का यूं अचानक से इस दुनिया को छोड़कर जाने से सभी को गहरा झटका लगा है। वेल, आपको बता दें कि सुहानी काफी ज्यादा कैमरा फ्रेंडली थी बचपन से ही और वो प्रिंट के लिए मॉडलिंग भी किया करती थी। फिलहाल वो सेकंड ईयर में थी मास कम्युनिकेशन के। उन्होंने यही प्लानिंग की थी कि अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद वो दोबारा से फिल्मों में काम करने के लिए लौटेंगी, पर ऐसा अब हो नहीं सका। वेल, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या है कहना हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।